नमस्ते दोस्तों, अभी दो दिन पहले पानीपत का ट्रेलर आया है। उस ट्रेलर को लेकर बहुत तरह की बातें चल रही हैं और कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है, खास करके इंडस्ट्री के लोगों को, जो लोग कभी आशुतोष गोवारिकर के साथ काम कर चुके हैं या काम करने की उम्मीद रखते हैं। दूसरी तरफ करण जौहर जैसे लोग, जिनको हर चीज़ अच्छी लगती है इंडस्ट्री के लोगों की, उनको भी बहुत अच्छा लगा है। लेकिन सच्चाई क्या है और आपको देख करके क्या एहसास हुआ? देखते हुए साफ लगता है लोगों को कि यह फिल्म कहीं ना कहीं बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के बीच में है। मुझे उसमें थोड़ा सा और आगे जोधा अकबर की भी छाप दिखती है। इसमें कुछ स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जोधा अकबर के ही फ्रेम से निकाल लिए गए हैं। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि नितिन देसाई इसके आर्ट डायरेक्टर हैं और जोधा अकबर का भव्य सेट नितिन देसाई ने ही बनाया था। और बहुत मुमकिन है कि एनडी स्टूडियो में जो जोधा अकबर का सेट बचा हुआ है, उसी सेट को थोड़ा सा रिहैश करके पानीपत का सेट तैयार कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं खर्च की बचत, और बाकी लोगों को लगा होगा कि इसमें सीजी बहुत डेवलप कर गया है, तो सीजी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें पैदा कर लेंगे। और सीजी से पैदा करने का एक बड़ा नुकसान आजकल फिल्मों में क्या दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ही जो आर्मी मूव करती है उसका बहुत ही जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा। एकदम ज्यामितीय ढांचे में सैनिक खड़े रहते हैं। मालूम नहीं 300 साल पहले 400 साल पहले इस तरह की बातें होती थी कि नहीं होती थी। दूसरा, बाजीराव मस्तानी हो या और भी युद्ध के सीन वाले जो फिल्में हों, उसमें हम ये देखते रहे कि शौर्य दिखाने के लिए, पराक्रम दिखाने के लिए, योद्धाओं को दिखाने के लिए रणभूमि के दृश्य जरूर होते हैं। और रणभूमि में जो जाबाज योद्धा दिखाया जाता है, वीर योद्धा दिखाया जाता है, वह हमेशा उछल कर तलवार से वार करता है या भाले से वार करता है या कुछ भी, एक अजीब स्फूर्ति और गति उसमें लाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्या ऐसा कुछ होता था कि ये सिर्फ विजुअल इफेक्ट के लिए होता है? इन सारी दिक्कतों से निकलने के बाद ही ऐतिहासिक फिल्मों पर हम बात कर सकते हैं या उनका मजा ले सकते हैं। ऐतिहासिक फिल्में भारत में बनती रही हैं, लंबे समय से बनती रही हैं, बल्कि मूक सिनेमा के दौर से ऐतिहासिक फिल्में शुरू हो गई थी। इनकी अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिका रही है। आज ऐतिहासिक फिल्में को बनाने का मकसद थोड़ा अलग हो गया है। 21वीं सदी में हैं हम और अपने अतीत को याद कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम उसको आज के किस प्रसंग से या कितना प्रासंगिक बना करके उसको याद कर रहे हैं। आशुतोष गोवारिकर ने जोधा अकबर में यह कोशिश अच्छी की थी, सांप्रदायिकता सद्भाव का एक बहुत अच्छा सबक दिया था, सांप्रदायिक सद्भाव का। लेकिन वहीं अपनी फिल्म मोहन जोदाड़ो में वे बिल्कुल असफल रहे थे, उसको आज के प्रसंग से जोड़ने पर। अब ये देखना है कि पानीपत में ऐसा क्या कर पाते हैं वो। पानीपत के बारे में एक बहुत रोचक शोध से मुझे पता चला था। 1928 में दादा साहब फाल्के, जो हिंदी सिनेमा के पुरोधा माने जाते हैं, भारतीय सिनेमा के पुरोधा माने जाते हैं, उनसे 1928 में किसी ने पूछा था कि पानीपत पर फिल्म बननी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है, फिल्म बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए। फिर सवाल पूछा गया उनसे कि लेकिन उसमें तो मराठाओं की हार हुई थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हाँ, मराठाओं की हार हुई थी तो हमें मराठाओं की हार दिखानी पड़ेगी। कभी मुसलमान जीतेंगे, कभी मराठा जीतेंगे, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे कहानी लेकर के। फिर उनसे सवाल पूछने वाले ने पूछा, लेकिन इससे मराठी भावनाएं आहत होंगी। कहाँ, भावनाएं तो आहत हो सकती हैं, लेकिन उन भावनात्मक आहत का क्या करेंगे? जो सच्चाई है वो बदल तो नहीं सकते। अब ये देखना है कि आशुतोष गोवारिकर की फिल्म पानीपत में अब्दाली और सदाशिव पेशवा दोनों मिलकर क्या संघर्ष और क्या कहानी रचते हैं। ये सभी जानते हैं कि अब्दाली जीते थे उसमें, सदाशिव भाव हारे थे, लेकिन उसको ये भी दिखाया जा सकता है कि वे शहीद हुए थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए और विदेशी आक्रांता से देश को बचाने के लिए शहादत दे दी थी या बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। अब ये किस पॉइंट पर जाके फिल्म ख़त्म होती है और वास्तव में मैसेज क्या देते हैं? जो बाजीराव मस्तानी से लोग देख रहे हैं इसको,
उन्हें मैं बता दूं ये बहुत स्वाभाविक है और इसमें आशुतोष ग्वारिकर की कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई नकल नहीं की है। जिन लोगों को इतिहास मालूम होगा उनको पता होगा कि सदाशिव भाव जो थे वो बाजीराव पेशवा के भतीजे थे। तो बिल्कुल एक जनरेशन का फर्क है, एक जनरेशन के फर्क में बहुत सारी चीज़ें नहीं बदल जाती हैं। हाँ, यह भी देखना होगा कि अर्जुन कपूर सदाशिव भाव में वही जोश और उमंग ला पाते हैं जो रणवीर सिंह ने बाजीराव में दिखाया था, क्योंकि हमें ज़रूरत होगी ऐसे नायक की। अब्दाली में जरूर लोगों को कभी खिलजी दिख रहा है तो कभी दूसरे विलेन दिख रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, जब जैसे ही आप दाढ़ी लगाते हैं और बोलना शुरू करते हैं, थोड़ी सी उर्दू मिक्स करते हैं, आपका किरदार मुसलमान और खिलजी टाइप में चला जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं और ऐतिहासिक फिल्में बनाने की अपनी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे मेकर्स ऐतिहासिक फिल्में बना रहे हैं, ये आ जाएगी उसके बाद से तुरंत ओम की आएगी, तानाजी जिसमें अजय देवगन है, उसके बाद तख्त आ रही है जो करण जौहर बना रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर चंद्रकांत द्विवेदी की पृथ्वीराज आएगी जिसमें अक्षय कुमार हैं। तो अभी अगले साल इंतज़ार कीजिए कि कितनी ऐतिहासिक फिल्में देखते हैं। हाँ, ऐतिहासिक फिल्मों के बारे में डिटेल में जानना है आपको तो मेरी एक किताब हाल ही में आई है नॉटनल से, जिसका नाम है ऐतिहासिक फिल्मों का कल और आज। नॉटनल से आप इसे ले सकते हैं, मैं नीचे इसका पता भी दे दूंगा, और ऐतिहासिक फिल्मों का पूरा संदर्भ और पूरा इतिहास कल और आज का आपको पता चल जाएगा कि कब क्यों ऐतिहासिक फिल्में बनती रही हैं।